इस कोर्स में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ग्राफाना, और ग्राफाना जो है बहुत से पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, कम्प्लीटली ओपन सोर्स है। और इस कोर्स में आप लोग सीखोगे कैसे ग्राफाना को यूज़ करके आप क्वेरी कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो और विजुलाइजेशन के ऊपर अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हो। वैसे तो ग्राफाना के बहुत से फीचर्स हैं, लेकिन कुछ जो फीचर है वो मैं इस कोर्स में आपको बताने वाला हूँ। और इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो आपको बता दूं कि ग्राफाना जो है वो कम्प्लीटली ओपन सोर्स है, और जो ग्राफाना की कम्युनिटी है वो बहुत लार्ज कम्युनिटी है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज़ कहीं भी अगर आप अटकते हो, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो आप पूछ सकते हो, कम्युनिटी पर डाल सकते हो वो क्वेश्चन, और कम्युनिटी जो है वो ट्राई करती है आपके क्वेश्चन का आंसर करने का। उसके बाद जो ग्राफाना है, ग्राफाना जितने भी मेजर डेटाबेसिस है सबको सपोर्ट करता है। और इसका ये ब्यूटी ये है कि आप जो है एक ही डैशबोर्ड में मल्टीपल पैनल्स क्रिएट कर सकते हो, और जो वो मल्टीपल पैनल्स हैं वो मल्टीपल डेटा सोर्स को रेफर कर सकते हैं। यानी कि आप सिंगल डैशबोर्ड में आप मल्टीपल पैनल्स रख सकते हो, और ऐसा हो सकता है कि एक पैनल जो है वो ओरेकल से डेटा ले रहा है, दूसरा पैनल जो है वो MySQL से डेटा ले रहा है, तीसरा पैनल जो है वो InfluxDB से डेटा ले रहा है। तो ऐसे करके आप बहुत से जो है क्रिएटिव जो है वे में डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो मल्टीपल डिफरेंट डेटा सोर्सेज को यूज़ करके। और जो ग्राफाना है वो फुली डायनेमिक डैशबोर्ड सपोर्ट करता है, यानी कि आप जो है सिंपल स्टैटिक डैशबोर्ड बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपने एक ऐसा डायनेमिक डैशबोर्ड बना दिया जो कि बेस्ड ऑन डिफरेंट डेटा सोर्सेज और बेस्ड ऑन जो भी आपने फिल्टर लगाया है या जो सिलेक्शन किया है उसके बेसिस पे ये कम्प्लीटली चेंज हो सकता है। और ग्राफाना जो है आप में कम्प्लीटली जो है डिफरेंट मेट्रिक्स या लॉग्स एक्सप्लोर कर सकते हो। और जो सबसे इसका एक्सेलेंट फीचर है वो ये है कि आप ग्राफाना को यूज़ करके अलर्टिंग क्रिएट कर सकते हो। यानी कि जैसे आप बोलते हो कि जब जो थ्रेशोल्ड है वो एक सर्टन पॉइंट से ऊपर या नीचे जाए, तो उसके ऊपर आप जो है आप कुछ जैसे अलर्ट क्रिएट करना चाहते हो, आप टेलीग्राम अलर्ट भेजना चाहते हो या आप ईमेल अलर्ट क्रिएट करना चाहते हो, तो वो सब चीज़ें जो है वो आप ग्राफाना को यूज़ करके कर सकते हो। अब ग्राफाना को सीखने से पहले जो सबसे हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जाननी है वो ये है कि एज ऑफ नाउ जो ग्राफाना का लेटेस्ट वर्जन है वो है 7.4.2। और ग्राफाना को यूज़ करने के लिए, क्योंकि ग्राफाना जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक विजुअलाइजेशन टूल है, ग्राफाना खुद में कुछ स्टोर नहीं करता है, तो इसको जो है यूज़ करने के लिए हमें चाहिए होगा एक डेटा स्टोर। तो हम लोग यूज़ करने वाले हैं InfluxDB। तो InfluxDB क्या है, वो डेटाबेस है जो कि डेटा स्टोर करता है, और InfluxDB जो है टेलीमेट्री डेटा स्टोर है। यानी कि InfluxDB में कुछ भी आप स्टोर करोगे तो उसके साथ आपको टाइम ज़रूर मेंशन करना पड़ेगा। तो इस कोर्स में मैं InfluxDB के बारे में ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ ये जो कोर्स है वो डेडिकेटेडली जो है ग्राफाना को होने वाला है। InfluxDB के बारे में मैं फिर से एक डिफरेंट कोर्स बनाऊंगा जिसमें आप जो है सारी डिटेल देख सकते हो इसकी। अब बात करते हैं टेलीग्राफ की। तो टेलीग्राफ जो है वो एक छोटा सा काइंड ऑफ स्क्रिप्ट या एजेंट बोल सकते हो, वो होता है जो कि डिफरेंट सिस्टम से आपका सिस्टम रिलेटेड डेटा कलेक्ट करेगा। तो टेलीग्राफ हम लोग डालेंगे सर्वर पे जो कि डेटा कलेक्ट करेगा, जैसे कि आपका CPU कितना है, CPU यूटिलाइजेशन कितना है, आपका जो है मेमोरी यूटिलाइजेशन कितना है, आपका जो फ्री स्पेस अवेलेबिलिटी कितना है, इस तरह के जो डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं जिसको कि हम सिस्टम मैट्रिक्स बोलते हैं, वो कलेक्ट करेगा टेलीग्राफ। और ये सारा जो डेटा है जो भी ये कलेक्ट करेगा वो हम लोग भेजेंगे InfluxDB को, और उसके बाद जो है हम लोग यूज़ करेंगे ग्राफाना InfluxDB से कनेक्ट करने के लिए। और ग्राफाना को यूज़ करके हम जो है ब्यूटीफुल डैशबोर्ड्स बनाएंगे जो कि हमें दिखाएगा कि करंट CPU यूटिलाइजेशन कितना है, मेमोरी यूटिलाइजेशन कितना है, या लेट्स सपोज कोई भी जो भी हम पैरामीटर क्रिएट करना चाहे वो सब चीज़ें हम दिखा सकते हैं ग्राफाना को यूज़ करके। तो सबसे पहले जो इसको ये जो तीनों कॉम्पोनेंट हैं इनको इंस्टॉल कर लेते हैं 1 by 1, उसके बाद जो है हम इसकी डिटेल में जाएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बहुत से डिफरेंट कोर्सेज आने वाले हैं, और सारे के सारे जो कोर्सेज हैं वो कम्प्लीटली हिंदी में होंगे, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में होंगे। और जो जितने भी क्वेश्चन हैं आपके मन में वो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं ट्राई करूँगा सारे क्वेश्चन का आंसर देने का। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में थैंक्स जरूर लिखिए, उससे क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी डिफरेंट कोर्सेज बनाने के लिए। और जो कोर्सेज होंगे वो कम्प्लीटली हिंदी में होने वाले हैं और जॉब पर्पस के लिए होने वाले हैं। आपको ये कोर्सेज को जो है अगर आप पूरा गो थ्रू करते हो उसके बाद आपकी जॉब लगना लगभग तय है। और जितने भी मैं कोर्सेज पढ़ाने वाला हूँ वो ऐसे कोर्सेज हैं जिसकी जो है मार्केट में डिमांड काफ़ी अच्छी है, और उसको आप सीख के बहुत ही ईजिली जो है मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो और जॉब हासिल कर सकते हो। अब जो मेरे पास है वो है एक ग्राफाना सर्वर। ओके, तो ये जो सर्वर है वो CentOS सर्वर है, उस पर जो मैंने है ग्राफाना नाम का यूज़र क्रिएट कर लिया हुआ है। और इसको अगर आपको देखना है कि यूज़र का नाम क्या है तो उसके लिए आप WhoAmI टाइप कर सकते हो, जो कि आपको बताएगा कि यूज़र का नाम क्या है। तो करेंटली जो यूज़र है वो है ग्राफाना, और अगर आप PWD टाइप करते हो तो ये आपको बताता है कि आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। तो करेंटली हम लोग हैं /home/ग्राफाना में,
और उसके बाद अगर आप होस्ट नेम टाइप कर दे हो तो ये आपको बताएगा कि आपका जो सर्वर है उसका होस्ट नेम क्या है। ठीक है, तो आपको जो सर्वर की पूरी डिटेल यहाँ पे मैंने दे दी है। अब हम लोग चलते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इंस्टॉल करेंगे ग्रफाना। ग्रफाना इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना है grafana.com/grafana/download पे, और वहाँ से जो है आपको जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सेलेक्ट करना है। तो मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ लिनक्स पे, तो इसलिए मैंने लिनक्स सेलेक्ट कर लिया है। और जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है CentOS, तो यहाँ पे मैं CentOS वाले सेक्शन में आ गया हूँ। अगर आप जो डिफरेंट फ्लेवर पे हैं तो आप जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लेवर सेलेक्ट कीजिए और वो वाली कमांड एग्जीक्यूट कीजिए। अब जो सबसे पहले हम चलाएंगे wget कमांड। जो wget कमांड है वो क्या करती है कि जो आपकी फ़ाइल है उसको डाउनलोड कर देगी सर्वर पे। तो सबसे पहले इसको चलाते हैं और ये क्या करेगा, ये सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड कर देगा। इसने जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर दिया है। अब हम लोग जाएंगे सेकंड कमांड पे। जो सेकंड कमांड क्या करेगा, वो जो ग्रफाना है आपका इंस्टॉल करेगा। अब इसके लिए जो है आपको चाहिए सूडो एक्सेस। सूडो एक्सेस क्या होता है, वो काइंड ऑफ रूट एक्सेस है, यानी कि ये यूज़र जो भी चलाएगा वो रूट यूज़र से चलेगा। तो अगर आपके पास सूडो एक्सेस नहीं है तो आपको सबसे पहले जो अपने सिस्टम एडमिन से बात करके जो भी आपका यूज़र है उसको जो है सूडो की प्रिविलेजेस लीजिए, उसके बाद ही आप ये चला पाएंगे। तो मैं यहाँ पे हिट करने वाला हूँ एंटर, और उसके बाद जो इंस्टॉलेशन है वो शुरू हो जाएगा। इंस्टॉलेशन होने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। यहाँ पे ये जो है कंफर्मेशन मांग रहा है, कंफर्मेशन के लिए टाइप कीजिए वाई यानी यस, आपने कंफर्म कर दिया है और जो इंस्टॉलेशन है वो अब शुरू हो चुका है। और अगेन डिपेंडिंग ऑन आपका जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसके बेसिस पे जो है आपका इंस्टॉलेशन टाइम थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा लग सकता है। तो जब ग्रफाना इंस्टॉल होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑलरेडी सिस्टम जो एडमिन यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह वो क्रिएट कर देता है। तो जब मैं आपको लॉगिन करूँगा तब दिखाऊँगा कि डिफ़ॉल्ट जो है सिस्टम नो यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखिए बता रहा है कि जो ग्रफाना इंस्टॉलेशन है वो कम्प्लीट हो गया है। अब जो यहाँ पर बता रहा है कि आपको इसको स्टार्ट करने के लिए आपको जो चलाना है वो है ग्रफाना सर्वर स्टार्ट, ग्रफाना सर्वर वाली कमांड चलानी है। तो सबसे पहले जो है हम ये वाली जो कमांड है sudo /bin/systemctl-enable-grafana-server.service ये वाली कमांड चलाएंगे। ये वाली जो कमांड है वो क्या करेगा कि ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग इनेबल कर देगा कि आपका अगर सर्वर रीबूट होता है, यानी जब भी अगर आपका आप अपना जो सर्वर है वो आप शट डाउन करते हो उसके बाद जब अगर दोबारा स्टार्ट करते हो तो ग्रफाना जो है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, इसको चला दीजिए। और उसके बाद जो है हम लोग जो ग्रफाना को स्टार्ट करने की कमांड चलाएंगे। तो जो ग्रफाना स्टार्ट करने की जो कमांड है वो बहुत सिंपल है। आपको डालना है sudo /bin/systemctl-start/grafana-server.service। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, उसके बाद एंटर दबाइए और जो है ये ग्रफाना आपका, ग्रफाना की सर्विसेज जो हैं वो स्टार्ट हो जाएगी। अगेन इसके जो स्टेटस चेक करने के लिए आपको जो करना है कमांड सेम रहेगी, स्टार्ट को आप जो है रिप्लेस कर दीजिए स्टेटस से और उसके बाद एंटर मारिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बता रहा है कि जो आप ग्रफाना सर्विसेज है वो रनिंग स्टेटस में, यानी कि ग्रफाना जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और ग्रफाना प्रॉपरली इस टाइम पे चल रहा होगा। तो इसको जो है चलाने के लिए और देखने के लिए कि ये चल रहा है कि नहीं, हम लोग जाएंगे डिफ़ॉल्ट जो URL होता है उस पे। तो डिफ़ॉल्ट URL है वो होता है जो भी आपका सर्वर की IP है। तो ये वाला जो सर्वर है इसकी IP जो है वो ये वाली है, तो मैं जाने वाला हूँ इसकी IP पे। इसकी IP आप कॉपी कीजिए और उसके बाद जो है ब्राउज़र ओपन कीजिए और जो भी IP है वो टाइप कीजिए और कॉलन के बाद आपको 3000 टाइप करना है। जो 3000 होता है वो डिफ़ॉल्ट पोर्ट है, एंटर मारिए और उसके बाद जो ग्रफाना है वो ओपन होना शुरू हो जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड होता है वो होता है एडमिन और एडमिन, यानी कि यूज़र नेम भी एडमिन और पासवर्ड है वो भी एडमिन। तो जब हम लोग लॉगिन करेंगे डिफ़ॉल्ट मोड में तो उस टाइम पे आपको अगर जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो ये बोलेगा कि पासवर्ड आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एडमिन डाल दिया है। मैं लॉगिन पे जो है क्लिक करता हूँ तो ये बोलेगा कि आप जो है नया पासवर्ड डाल सकते हो। ओके, तो मैं जो है इस टाइम पे नया पासवर्ड नहीं डालना चाहता हूँ, तो उस केस में आप जस्ट स्किप पे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये हमें ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है कि आप जो है नया पासवर्ड यहाँ पे डालें अगर आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैं है स्किप पे क्लिक करने वाला हूँ और जो बाय डिफ़ॉल्ट जो ग्रफाना ऐसा लगता है जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल होता है। ओके, तो अभी भी ये जो है थोड़ा सा स्लो है क्योंकि जो सर्वर है जो जिस सर्वर पे मैंने ग्रफाना इंस्टॉल किया उसकी कॉन्फ़िगरेशन इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा स्लो है। लेकिन कुछ इस टाइप का लगता है जब ग्रफाना आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हो।
अब ग्रफाना के साथ साथ मैंने आपको बताया था हम लोग इंस्टॉल करेंगे इन्फ्लक्स डीबी और टेलीग्राफ, तो सबसे पहले इन्फ्लक्स डीबी और टेलीग्राफ भी इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि हमने ग्रफाना तो इंस्टॉल कर लिया है लेकिन हमारे पास ग्रफाना प्ले करने के लिए कोई भी डेटा सोर्स अवेलेबल नहीं है इस टाइम पे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इन्फ्लक्स डीबी को इंस्टॉल करने के लिए। तो इन्फ्लक्स डीबी को इंस्टॉल करने के लिए जो यूआरएल है वो ये वाला यूआरएल है, अगेन जो यूआरएल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जो जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है आप उसको सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो कीजिए। तो अगर आप CentOS पे हैं यानी लिनक्स पे हैं तो आप जो ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये सारी कमांड जो है आपको वन बाय वन चलानी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये जो भी कमांड्स हैं इन सबको एक फ़ाइल में सेव कर लेता हूँ। सबसे पहले ये जो है इसको क्लियर कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली पता चल पाए इनके क्या जो इन्फ्लक्स के इंस्टॉल करने के स्टेप्स हैं वो क्या है। तो सबसे पहले जाते हैं VI, हम लोग क्या करते हैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं और उस फाइल के अंदर जो है हम सारी इंस्ट्रक्शंस डाल देंगे। तो मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की जो कि इस TMP डायरेक्ट्री के अंदर है और इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं इंस्टॉल करने के, ओके, जो भी स्टेप्स यहाँ पे बताए गए हैं मैंने वो सारे कॉपी पेस्ट कर दिए। ओके, तो ये सारे स्टेप्स थे तो मैंने इसको सबको कॉपी किया और इस यहाँ पे इस फाइल में सेव कर दिया। और रादर देन अब ये हर लाइन वन बाय वन चलाने के, मैं क्या करने वाला हूँ पूरी की पूरी फाइल एक बार में एग्जीक्यूट कर दूंगा। यानी कि मैं डालने वाला हूँ SH स्पेस और जो भी आपकी फ़ाइल है उसका पूरा पाथ यहाँ पे डाल दीजिए, उसके बाद एंटर मारिए। तो यानी फाइल में जो भी था वो सारा एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग जाने वाले हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो बोलता है कि आपको ये कमांड चलानी है इन्फ्लक्स डीबी इंस्टॉल करने के लिए। तो हम लोग डालने वाले हैं sudo space yum space install space influxdb, एंटर प्रेस कीजिए। अगेन जो influxdb है उसकी जो इंस्टॉलेशन है स्टार्ट हो चुकी है, ये कन्फर्मेशन मांग रहा है, y दबाइए, एंटर मारिए और आप जो है इंस्टॉलेशन कन्फर्मेशन वाले स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। सो ये बोल रहा है इंस्टॉलेशन कम्प्लीटेड सक्सेसफुली। अगेन ये जो बता रहा है कि जो सिम्बॉलिक लिंक कुछ क्रिएट किए हुए हैं इसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, यानी कि अगर मेरे को देखना है कि इन्फ्लक्स डीबी जो है सर्विसेज प्रॉपरली चल रही हैं कि नहीं, तो उसके लिए जो है आप यहां से इनको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन उससे आसान तरीका ये है कि आप जो है ये कमांड यहां पे दिया हुआ है sudo system CTL start influx db, तो अगर आप स्टार्ट को रिप्लेस करेंगे स्टेटस से तो आपको पता चल जाएगा कि राइट नाउ क्या स्टेटस है इन्फ्लक्स डीबी का। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब इंस्टॉल होता है इन्फ्लक्स डीबी तो वो जो है इनएक्टिव स्टेट में रहता है, तो यानी कि आपको इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करने के लिए आप जो है स्टेटस को रिप्लेस कर दीजिए स्टार्ट से और उसके बाद जो है एंटर मारिए। अब ये जो इन्फ्लक्स डीबी है वो स्टार्ट हो चुका है, इसको चेक करने के लिए हम फिर से स्टेटस चलाएंगे और चेक करेंगे। इस टाइम आप देख सकते हो ये बोल रहा है एक्टिव, यानी कि जो इन्फ्लक्स डीबी है वो प्रॉपरली चल रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो गौर करने वाली ये है कि कुछ जो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती हैं डिफ़ॉल्ट इन्फ्लक्स डीबी की, वो जो है इस पाथ पे स्टोर है। तो अगर आप इन्फ्लक्स डीबी की जो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल देखना चाहते हैं, उससे प्ले करना चाहते हैं, तो आपको इस पाथ पे मिलेगा। अगेन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग जो है इन्फ्लक्स डीबी की ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग इस जो कोर्स में हम सिर्फ ग्रफाना की बात करेंगे। इन्फ्लक्स डीबी और टेलीग्राफ के बारे में जो सेपरेट कोर्सेज मैं बनाऊंगा जिसमें आपको जो है पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो हमने इन्फ्लक्स डीबी इंस्टॉल कर लिया, अब सिमिलरली हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं टेलीग्राफ। टेलीग्राफ के लिए भी इस लिंक पे आपको जाना है, उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सिमिलर हैं जो कि हमने इन्फ्लक्स डीबी के लिए फॉलो किए थे। यानी ये आपको ये जो सेट ऑफ कमांड्स चलाने हैं इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसको जो है सबसे पहले एक फ़ाइल में सेव कर लेंगे। उससे पहले जो पुरानी जो हमने इंस्टॉलेशन किया था उसको क्लियर करते हैं, यानी कि क्लियर कमांड चलाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे VI स्पेस /tmp/telegraph, तो यानी कि मैं एक टेलीग्राफ नाम का फाइल बना रहा हूँ, उसमें जो भी सारे कमांड्स थे वो मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिए। उसके बाद सेव करके एग्जिट कर लीजिए यहाँ से, उसके बाद कीजिए SH स्पेस और जो भी आपकी फ़ाइल थी उसका जो है पाथ दे दीजिए, एंटर मारिए। यानी अब उस पाथ में जो भी उस जो फाइल पाथ में जो भी आपके कंटेंट था वो सारा एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हमें चलाना है ये इंस्टॉलेशन वाला कमांड, तो उसके लिए बस sudo space yum space install space telegraph, hit enter। अब जो है इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है टेलीग्राफ का, आपसे कन्फर्मेशन मांगेगा, आप वाई प्रेस कीजिए और नेक्स्ट जो है इंस्टॉलेशन कम्प्लीशन की जो आप स्टेटस देख सकते हैं। अगेन इसको भी आपका जो है स्टेटस चेक करने के लिए आप जो सिमिलर कमांड यहाँ पे दी हुई है इसको स्टार्ट की जगह आप इसको स्टेटस से रिप्लेस कर सकते हैं, तो आपको स्टेटस बताएगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो ये सॉफ्टवेयर हैं जब इंस्टॉल होते हैं तो जो स्टार्ट मोड में नहीं रहते हैं, आप इसको स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्ट कमांड चला सकते हैं।
उसके बाद दोबारा से स्टेटस चेक करने के लिए आप फिर से स्टेटस डालिए, आप देख सकते हैं कि जो है टेलीग्राफ भी है जो इंस्टॉल हो चुका है। अब एक चीज़ यहाँ पे जो देखने वाली ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट टेलीग्राफ को कैसे पता चलेगा कि जो उसको जो डेटा है, जो भी वो सिस्टम रिलेटेड डेटा कलेक्ट करेगा, वो इन्फ्लक्स डीबी को भेजना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट टेलीग्राफ को ये चीज़ पता नहीं होती है, तो वो बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेलीग्राफ जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो कि इस पाथ पे होती है, इसको एडिट करेंगे। यानी मैं जाने वाला हूँ vi स्पेस जो ये फाइल है उसको आप पूरा पाथ दीजिए, उसके बाद यहाँ पे सर्च कीजिए आप इन्फ्लक्स डीबी, और आप देखेंगे यहाँ पे आउटपुट्स डॉट इन्फ्लक्स डीबी रिलेटेड जो है एक URL है, वो हमें इनेबल करना है। यानी हमें जो इनेबल करना है वो ये वाला जो है इनेबल करना है। यहाँ पे जो हैश है आगे से मैंने वो हैश हटा दिया है। अब ये जो है URLs ये बता रहा है कि जो टेलीग्राफ जो भी डेटा कलेक्ट करे वो इस वाले जो है URL पे भेजे, और ये जो URL है वो जो डिफ़ॉल्ट जो हमने इन्फ्लक्स डीबी यहाँ पे इंस्टॉल किया था उसका जो डिफ़ॉल्ट URL होता है वो ये वाला होता है। यानी कि जो टेलीग्राफ है अब उसको पता चल चुका है कि इसको जो भी डेटा भेजना है वो इस वाले URL पे भेजना है। इस फाइल को आप सेव कीजिए, उसके बाद एग्ज़िट कीजिए। अभी क्या है कि ये जो फाइल है वो मुझे सेव नहीं करने दे रहा है, क्योंकि जो मैंने फाइल खोली थी वो एज अ नॉर्मल यूज़र खोली थी, जबकि हमने जो इंस्टॉल किया है जो टेलीग्राफ वो एज अ सूडो से इंस्टॉल किया है, सूडो यानी कि रूट से इंस्टॉल हुआ है। तो यहाँ पे मैं एग्ज़िट करता हूँ, फाइल अभी सेव नहीं हुई है। मैं इस फाइल को फिर से खोलूँगा, और इस बार मैं खोलूँगा सूडो स्पेस vi स्पेस फाइल नेम देके, यानी कि इस बार जो फाइल खुलेगी उसमें जो है हमें ऑप्शन होगी एडिट करने की। तो मैं जो है इनफ्लक्स डीबी लिखूंगा फिर से, और जो हम लोग हैं फिर से वहीं पे आ गए हैं जिस जहां मैंने आपको जो ऑप्शन पहले दिखाई थी। यहां पे हम हैश रिमूव करेंगे, और उसके बाद इस फाइल को सेव कीजिए, एग्ज़िट कीजिए, और अब जो है फिर से हम टेलीग्राफ को रीस्टार्ट कर देते हैं। जब भी आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड चेंजेस करेंगे तो ध्यान रखिए कि आपको जो है टेलीग्राफ को रीस्टार्ट करना है। तो टेलीग्राफ को रीस्टार्ट करने की जो कमांड है वो बहुत ही सिंपल है, जो कमांड आपने स्टार्ट या स्टेटस के लिए यूज़ की थी उसी के आगे आपको बस रीस्टार्ट लिखना है। अब जो टेलीग्राफ है वो रीस्टार्ट हो चुका है। अगेन इसका स्टेटस देखने के लिए हम लोग स्टेटस टाइप करेंगे, और हम देख सकते हैं कि जो टेलीग्राफ है वो चल रहा है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमें ये करना है कि सबसे पहले हम लोग जाएंगे ग्रफाना में, जो भी ग्रफाना की डिफ़ॉल्ट स्क्रीन थी उसमें एक डेटा सोर्स ऐड करेंगे। तो डेटा सोर्स ऐड करने से पहले जो मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ ग्रफाना की जो यूज़र इंटरफेस है वो कैसा होता है, ताकि आपको जो है चीज़ों का पता हो कि आपको जो इंटरफेस से इंटरेक्ट कैसे करना है, और उसके बाद जो है हम लोग ग्रफाना को यूज़ करना शुरू कर देंगे।